थैंक यू। तूने तो यार लड़कों की छुट्टी कर दी। रियली? हाँ। एक्सक्यूज मी ओह जी, आज आपने फंक्शन में बहुत अच्छा डांस किया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना? जी, आप, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे गया है। थैंक यू, सब ये कहते हैं। नो बेटा, ओके, बाय बाय। भाभी, ये लीजिए अपने बेटे को। क्या कह रहा था वो? वो हाँ, वो कह रहा था कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे गया। वो सोच रहा था कि बच्चा मेरा है। अरे छोटू, हाँ? देखो इसमें पानी नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? क्या हो रहा भैया? हाँ? काम नहीं कर रहे हो, काम चोर कहीं के हैं? गप्पे लड़ा रहे हो? अरे पप्पू भैया, हम गप्पा नहीं लड़ा रहे हैं, ये इसमें पानी हाँ? नहीं आ रहा, कुछ अटक गवा। हाँ? तू घास काट दे, पानी नहीं आ रहा है। पप्स राज, किसको फोन कर रहे हो? इरिगेशन मिनिस्टर को फोन लगा रहा हूं। पानी नहीं आ रहा पाइप में। अरे प्लम्बर को फोन करो ना। अरे छोटे मोटे काम के लिए प्लम्बर को क्यों बुलाया है? ये इरिगेशन मिनिस्टर के लिए, इरिटेशन के लिए। करेक्ट। अरे ओके, पूरे परिवार में यही मुझे पहचानता है। पानी तेरी देखा, फोन लगाने पानी आ गया, इसे कहते हैं पावर। आए, फिर पानी बंद हो गया। अरे पप्पू भैया, हाँ? पानी बंद हो गया। अबे बार बार फोन करो, तेरे बाप का नंबर है। ये ले। माँ, राज मेरा बेटा आ गया। कैसे हो बेटा? ठीक हूँ। कैसी रही तेरी दोस्त की शादी? माँ उसकी तो लाइफ ही बदल गई है। तेरी लाइफ ही बदल जाएगी तो शादी के लिए हाँ तो बोल। दीदी बराबर कहती है, तो शादी के लिए हाँ कर देना। मैं इसमें इतनी जल्दी फंसने वाला नहीं हूँ। वेलकम होम राज। कैसे हो बेटा, कैसे हो? डैड जीते रहो। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? फर्स्ट क्लास। अरे अच्छा हो तुम आ गए। देखो एक काम करो, तुम फौरन सिंगापुर चले जाओ और वहाँ पता करो हमारी शिप अभी तक वहाँ से क्यों नहीं निकली है। यहाँ के डीलर सब सर पे चढ़ रहे हैं। ए ओ बिजनेसमैन, तू कैसा बाप है रे? अभी बेटा घर आया नहीं कि तू उसे फिर से घर से बाहर भेज रहा है? जब देखो इस बेचारे को विदेश भेजने की बात करता रहता है। बाबूजी, किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। अरे तो किसी और को भेज देना। पंकज तुम ही चले जाओ। अरे फिर यहाँ का काम कौन? माल लगाया है ना? आजा आजा। लेकिन कहीं चोरी पकड़ी गई तो? डरता क्यों है? चोर वो जो पकड़ा जाए। दादा और पोते में इशारेबाजी जरूर है, कोई तिकड़मबाजी। ला माल निकाल। दादाजी लेकिन सिर्फ एक। हाँ सिर्फ एक। अरे वाह लड्डू, तेरे प्यार की तरह मीठे और मेरे दिल की तरह नरम। शायरी मत कीजिए, जल्दी खाइए, बड़ा रिस्की मामला है। चाहे कहीं से भी दरवाजा बंद कर लो, लेकिन मास्टर की मैं रखता हूँ। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी मिठाई खाई जा रही है। कितनी हाई डायबिटीज है। हाँ। और वो भी 320। बाबूजी आपके लिए मिठाई को हाथ लगाना भी पाप है। दिन भर दवाई खाते और साथ में मिठाई भी। और दांत हमका पड़ा था कि हम खा गए सारी मिठाई। बाबूजी अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल तो किया कीजिए। अरे बस करो यार, एक कमजोर बीमार बूढ़े को देखकर सब शुरू हो गए। हाँ। अरे पहले ये तो पूछो कि मैंने मिठाई मंगवाई क्यों है। क्यों मिठाई? क्यों? क्योंकि राज ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? किसके लिए? शादी के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो थका हुआ है, उसे आराम करने दो। मैं इससे बात करता हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये लो मिठाई और जाके मुंह मीठा करो। जाओ जाओ जाओ। कैसे दादाजी हैं आप? क्यों? अरे अपने आप को बचाने के लिए आपने मुझे फंसवा दिया। और तू कैसा पोता है रे? अरे अपने दादा की इज्जत बचाने के लिए तो पोते जान तक दे देते हैं और तू शादी करने तक की हानि कर रहा है। देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? दादाजी ये परिवार ऐसा है ना, इतना प्यार इस परिवार में, एक गलत लड़की आएगी और सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। तो तू क्या समझता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लेके आऊंगा? फिर भी मुझे शादी वादी नहीं करनी। I'm sorry. सॉरी के बच्चे, मैं भी तेरा दादा हूँ, देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगा। और मैं भी आपका पोता हूँ, छोड़ो। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। और ये लड्डू भी है ना, शुगर फ्री है, खाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज सिट, प्लीज सिट। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिस बरूचा। हैंडसम,
अजय गनो सो जो लागेज। मिस बरूचा, मैंने आपको कितनी बार कहा है? हाँ, कि अब तक मेरी शादी हो जाती और दो छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते, पर अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। But that's okay, मेरी भी नहीं हुई। हाँ, न समझ, जब तक मुझे तेरे जैसा अच्छा और हैंडसम लड़का नहीं मिलता, मैं शादी करने वाली भी नहीं। और करना भी नहीं मिस बरूचा, ओके? ओके यार। तू क्या दिखता है? तुम अपने काम करो ना। हेलो बेटा राज, मैं डॉक्टर बलराज बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर दादा। बेटा तुम फौरन मेरे नर्सिंग होम में चले आओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सुबह को तो ठीक थे। अरे बेटा, इस उम्र में तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। वो आ रहा है। हेलो माँ, डॉक्टर दादा का फोन आया था। वो तो अभी यही थे, दादाजी का रूटीन चेकअप किया और फिर वो दोनों घूमने गए। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, ठीक है, बाय। ऐसी एक्टिंग करना कि एकदम रियल लगे। अरे तू फिकर मत कर कैलाश, तू तो जानता है कि कॉलेज के जमाने में एक्टिंग में फर्स्ट आया करता था। हाँ दादाजी, राधा क्या Oh my God, दो इंजेक्शन देने के बाद भी तेरी नब्ज नॉर्मल नहीं हो रही। अरे भी ऐसी कौन सी चिंता है जो तुझे खाई जा रही है? तेरे पास अभी भी एक साल की जिंदगी है। अरे एक साल में तो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसी क्या बात है, आप मुझे बताइए ना, मैं पूरी करूँगा आपकी ख्वाहिश। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि ऊपर जाने से पहले अपने पड़पोते का मुँह देख लो, लेकिन राज को अपने दादा से नहीं अपनी आजादी से प्यार है। अरे आंखें खोलो कैलाश, देखो राज आया है। राज तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादा। वाह 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 वाह, सूट बूट पहनकर आप हॉस्पिटल के बिस्तर पर लेटे। वो तो मुझे इमरजेंसी में लेटना और इमरजेंसी में इतनी बुरी एक्टिंग भी करनी पड़ी आप लोगों को, है ना? और डॉक्टर दादा आप भी इसमें शामिल। अरे भाई मैं क्या करता, तुम्हारे दादा ने मुझसे ये मजाक करवाया है। दादाजी क्यों करते हैं आप ये सब? आपको मालूम है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं? कीमती हूं ना? तो फिर मेरी बात मान ले, बोल कब चलता है लड़की देखने के लिए, जवाब दे। जब भी आप कहेंगे। प्रिया, लगता है वो लोग आ गए। नमस्ते कपूर साहब। कपूर साहब, ये मेरा पोता राज है। हेलो। और पप्पू को तो आप जानते ही हैं। ये तो वही है जैसे मैं सुमन की शादी में मिली थी। मैं तुम दोनों को वहाँ देखकर सारी सिचुएशन समझ गई थी, इसलिए तो ये रिश्ता हमने मांगा है। हम तो पहले ही आपकी बेटी को देखकर पसंद कर चुके हैं, आज तो उसे राज को दिखा रहा था। आओ बेटी, आओ आओ। जी उम्र में कुछ बड़ी नहीं लगती आपको? क्या बात कर रहा है, मैंने जन्म पत्री देखी है इसकी, उम्र एकदम बराबर है। लगता है दादाजी ने बिना चश्मे के कुंडली देखी है। इसके गाले कितने मोटे हैं। अरे वही तो सुंदरता की निशानी है, उसकी हंसी देखी कितनी सुंदर है। इससे तो अच्छी मुझे बाजू वाली लगती है। एक बच्चे की माँ है वो, तो ये चार बच्चे की माँ दिखती है। नहीं क्या बात कर रहे हो, बिल्कुल लगती नहीं। हाँ बेटे, अगर तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ ले। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो सेवन स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ,
लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है, घर के सारे कामों में बहुत होशियार है। ये समोसे, कचौरी, पकौड़े, मिठाइयाँ सब इसी ने बनाए हैं। इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता। अरे इतना सब कुछ तो आता है, और क्या चाहिए तुझे? ये सवाल उससे क्यों पूछ रहा है? वो अभी भी आपकी तरफ ही देख रहा है। तैयार रहिए, एक और सवाल पूछेगा। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, म्यूजिक, ये सब इसकी मेन हॉबीज हैं। इनकी तो आदत है दूसरों की तारीफ करना। ये तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है कबड्डी में। कबड्डी में? अब बेटी मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। ये बताओ कि घर संसार सुखी रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्यार है। घर में लोग ज्यादा हो या कम, हर एक को अगर एक दूसरे के साथ प्यार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। वाह, कितने सुंदर विचार हैं इसके। अरे इनके सुंदर विचार का क्या अचार डालना है? इसके सुंदर विचार पूछो ना। हाँ? अरे इसकी भाभी के विचार पूछ कर क्या करना है तुझे? भाभी? हाँ? चुप हो जा बेटे, और रानी आपका बेटा रो रहा था। अच्छा 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 अच्छा, मेरा बेटा सोना सोना बेटा क्यों रो रहा है? बधाई हो कपूर साहब, राजपुत्र की पसंद आ गई है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। हाँ जी, जरूर जरूर कीजिए।
तुझे प्यार दूं, बस तेरा नाम लूं, बैठे जो कभी तुझको थाम लूं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, इस तरह से तुझे पलकों में छुपा लूंगा मैं, मेरी आंखों में सिर्फ तेरा ही चेहरा होगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा। देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, जिस तरह मैंने तेरी राह तकी है बरसों, यूं किसी ने तेरा रास्ता नहीं देखा होगा, देखने वालों ने क्या क्या नहीं देखा होगा, मेरा दावा है कि तुझसा नहीं देखा होगा। डॉक्टर अंकल, प्यार में और फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं है, देखिए कैसे दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। अरे ये राज की तस्वीर किसने निकाली? देखो, देखो तो। मैं तस्वीर मैंने निकाली है, और जब मैं तस्वीर ले रही थी ना, राज को पता भी नहीं था। ऐसा लगता है तुम दोनों को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया है। अगर ऐसी बात है तो तुम और राज वहाँ एक दो साल के लिए सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अब तक तो बेटे को विदेश भेजने की फिक्र में थे, और अब बहू को भी नहीं। अरे तुझे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो रो रो के बेहाल हो गया था तू। भौजी आप भी, अरे दादाजी आप मुझसे कहते फॉरेन मिनिस्टर से कहलवा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच यहाँ खुलवा देता मैं। अबे गधे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। राजपूत। हेलो, ठीक है, हेलो, एक एक सेकेंड। मैं बाद में फोन करता हूं, ओके? किसका फोन था जो तुम्हें मुझसे दूर जाके बात करनी पड़ी? देखो राज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो, बोलो क्या बात है? तुम सही कह रही हो, पहले मैंने सोचा था तुमसे ये बात छुपाऊंगा, लेकिन ये बातें कभी छुपती नहीं है। अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरे प्यार का कोई और भी हिस्सेदार है, तो तुम क्या करोगी? अपनी जान दे दूंगी। राज, तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? करता नहीं हूं, करना शुरू करूंगा। क्या? डॉक्टर दादा का फोन आया था, रिपोर्ट पॉजिटिव है, प्रिया तुम मां बनने वाली हो। क्या? मैं परदादा बनने वाला हूँ। झुक झुक जियो, झुक झुक।
जीते रहो अरे बंसी अरे बंसी ये जाकर गरीबों में बांट दो है। अच्छा बहू आशा जी बाबू जी मुबारक हो बहू तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ आज मैं बहुत खुश हूँ अरे छोटू भगवान ने मेरी सुन ली जीती रहो बेटी भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे क्या हुआ बाबूजी रंजीत तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है क्या दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ मुबारक हो मुबारक हो अब्बू मैं परमामा बनूंगा मैं परमामा बनूंगा मैं परमामा बनूंगा दादी मुबारक हो आज पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी सब तुम्हारी वजह से थैंक यू थैंक्स टू यू लव यू कैलाश मुबारक है मुबारक और मुबारक 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 ओए बच्चू तू भी क्या याद करेगा ये देख आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ खुद भी दबाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा नहीं बलराज आज से मिठाई बिल्कुल बंद अब तो मैं जीना चाहता हूँ मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं अब तो मेरी छड़ी आ रही है अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है क्रिकेट टेनिस जॉगिंग अरे छुटवा देख बड़े बारीक सालन बाद टहले निकले हैं वो भी बिना छड़ी के ये तो बहू रानी का कमाल है दादाजी जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है तो मैं तो बहुत डर गई थी क्यों मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं मेरे दादाजी हैं माँ जी अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है एक एक पेड़ में 100-100 किलो आम लगा है अरे तू आम तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था झगड़ा बंद करो और ये काम करो ये शर्मा जी क्या जाएगा उस टोकरी में डालो ओके और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए जी लाइए उस टोकरी में डाल दीजिए जी ये लीजिए अरे अरे क्या कर रही हो बेटी मैंने कई बार कहा है ना ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते ये कच्चे आम निकाल दीजिए अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे मैं शॉपिंग करने गया था किसकी महाराणा प्रताप की मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की क्यों इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरह बहादुर होगा दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरह बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लड़ता रहेगा हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके इसलिए प्रिया के कमरे में क्या हुआ सो गए नहीं मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं बड़ी बात छोटी मुझसे बोलो बोल आप तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए वो नेता का रोल कर सकता है क्रिकेटर का रोल कर सकता है और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है वेरी सिंपल नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता नेता का फोटो महाराणा प्रताप सचिन तेंदुलकर नेता महाराणा प्रताप सचिन तेंदुलकर